जनाब, अब हम लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करते हैं अपना। लेक्चर नंबर टू में हम डिस्कशन करेंगे लॉजिकल इक्वलेंसेस के हवाले से, फिर हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करने के बाद हम टॉटोलॉजीज और कंट्राडिक्शंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, फिर लॉज ऑफ लॉजिक क्या होते हैं, लॉज ऑफ लॉजिक को हम डिस्कस करेंगे, और फिर कंडीशनल प्रोपोजिशंस। कंडीशनल प्रोपोजिशंस शायद हम अगली क्लास में डिस्कस कर सकें, तो आज की क्लास तक के लिए मैं लॉज ऑफ लॉजिक तक कोशिश करूंगा कि हम पूरी डिटेल में डिस्कशन कर लें इस हवाले से। तो लेट स्टार्ट। लॉजिकल इक्वलेंस किसे कहते हैं? ट्रू प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड लॉजिकली इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज फॉर ईच पॉसिबल सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोपोजिशन फॉर देयर प्रोपोजिशन वेरिएबल। What does it mean? कि दो propositions को हम equivalent उस वक्त कहेंगे जब उन propositions के against जितनी भी possibilities हों, यानी truth tables में जितनी भी possibilities बने, वो possibilities दोनों propositions की same to same हों। यानी proposition P अगर एक value है और उसमें हमने कहा कि जी दो total values हैं true और false, ऐसे ही प्रोपोजिशन क्यू एक और जो प्रोपोजिशन है उसमें भी दो टोटल वैल्यूज़ हैं और वो भी दोनों ट्रू और फॉल्स हैं, तो फिर हम कहेंगे कि जनाब दो प्रोपोजिशंस ये इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं उसी बात पर ही, कि दो प्रोपोजिशंस पी और क्यू हैं, उसकी फ़र्ज़ किया पी की टोटल दो प्रोपोजिशंस अलग-अलग हम लेते हैं, पी की टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दो हैं ट्रू और फॉल्स, और Q की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं फॉल्स और ट्रू। तो ट्रू के अगेंस्ट हमने ट्रू को मैप करना चाहा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्वल, ये दो प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्वलेंट नहीं हैं। इस बात को हम डिटेल में आगे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको सोचा कि कॉन्सेप्ट के साथ ये बात समझा दूँ, तो शायद आप लोगों को अभी से दिमाग में बैठ जाए, आगे जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसकी डिटेल डिस्कशन क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ज़रूर। द लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोजिशंस पी एंड क्यू इज रिटन एज, पी और क्यू अगर दोनों प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हों तो इस सिंबल के साथ हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ टू कंपाउंड प्रोपोजिशंस पी एंड क्यू, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर पी, कि हम एक ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे पी के लिए, फिर कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर क्यू यूजिंग द सेम प्रोपोजिशन वेरिएबल्स फॉर आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, यानी उसी तरह के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली हम क्यू की ट्रूथ टेबल भी क्रिएट करेंगे, और फिर दोनों ट्रूथ टेबल्स को क्रिएट करने के बाद हम चेक करेंगे, चेक ईच of the combination of truth values for their proposition variables to see whether the truth values of P and Q are same as the truth values of Q। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि दोनों प्रोपोजिशंस को हमने क्रिएट करके, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्रिएट करके हमने फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, कि पहली हमारे पास पहली प्रोपोजिशन में ट्रू वैल्यू है तो दूसरी प्रोपोजिशन की पहली वैल्यू भी हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, फिर पहली प्रोपोजिशन की दूसरी वैल्यू अगर हमारे पास फॉल्स है तो फिर दूसरी प्रोपोजिशन की दूसरी वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स होनी चाहिए। तो हम उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, अगर वो सेम सेम होंगी तो फिर इट मींस के दोनों प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। इक्विवेलेंस चेक क्या है? इफ इन ईच रो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी is the same as the truth value of Q, then P and Q are logically equivalent। यानी अगर दोनों वैल्यूज सेम हों, यानी प्रोपोजिशन P की ट्रूथ वैल्यूज और प्रोपोजिशन Q की ट्रूथ वैल्यूज दोनों सेम हों, तो फिर हम इक्विवेलेंस चेक में कहते हैं कि वो दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। सिमिलरली इफ इन सम रो P हैज़ डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू
फ्रॉम क्यू देन वी से दैट पी एंड क्यू आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, और यानी अगर कोई एक रो में भी वो वैल्यूज डिफर कर गई तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं। एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट निगेशन ऑफ पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी, यानी एक प्रोपोजिशन हमारे पास पी, उसकी टोटल दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो निगेशन ऑफ पी क्या होगी, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। यानी निगेशन ऑफ पी का मतलब ये है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी वैल्यू होगी उसकी ट्रुथ टेबल में उसे हमने रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर ट्रू था तो यहाँ पर हमने फॉल्स कर दिया, यहाँ पर फॉल्स है तो इसे ट्रू कर दिया हमने। और फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ पी। तो पहले हमने ये वाली स्टेटमेंट यानी ये वाली प्रोपोजिशन फाइंड आउट की जो कि ये है, अब हम निगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे। यानी अब इस निगेशन ऑफ पी का भी हमने निगेशन लेना है, तो निगेशन ऑफ पी हम दोबारा से लेंगे, यानी इस प्रोपोजिशन को हम निगेशन ऑफ पी वाली प्रोपोजिशन को हम फिर उसका दोबारा से निगेशन लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोपोजिशन यानी निगेशन ऑफ पी अब हमने फाइंड आउट कर ली, तो उसकी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है पी के। अब हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोसीजर में डिस्कस किया था कि तीन स्टेप्स हैं, कि हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे पी की, फिर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे क्यू की। हमने दोनों की ट्रुथ टेबल्स क्रिएट कर ली इस एग्जांपल में, और अब हम चेक करेंगे कि ईच कम्बिनेशन ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन वेरिएबल्स, के हम चेक करेंगे कि वो दोनों वैल्यूज़, दोनों प्रोपोजिशंस की ट्रुथ टेबल की तमाम वैल्यूज़ क्या सेम है। इस तरीके से निगेशन ऑफ पी में यहाँ पर टी है, तो पी में जो कुछ हमारे पास था पहली वैल्यू उसकी ट्रू थी, लिहाजा ये सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पर फौरी तौर पर हम ये नहीं कह देंगे कि ये दोनों प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट है, हम हर वैल्यू को चेक करेंगे कि वो दोनों सेम है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फॉल्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है ये भी फॉल्स है। तो लिहाजा टोटल पॉसिबल वैल्यूज दो थी हमारे पास, और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम है, तो लिहाजा अब हम ये कह सकते हैं कि ये दो प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। एज यू कैन ऑब्जर्व द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी आर सेम, हेंस इक्विवेलेंस इज जस्टिफाइड। लिहाजा अब हम ये कह सकते हैं कि ये दो प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट हैं।